गौरवशाली परिवार में आई खुशियां, तेनी के घर आने से खुशियों का डोज हुआ डबल। पूरे घर को बड़े ही प्यार से पिंक कलर के बैलून से सजाया गया है और भानुशाली परिवार टीनी को कह रहा है थैंक यू। लेकिन क्यों, आइए देखते हैं। बहुत स्वागत है और बहुत थैंक यू भी टीनी। जल्दी से ठीक है। तुम्हें जो हमारे परिवार को खुशियां दी है उसका कर्ज इस जन्म में तुम्हें उतार पाएंगे। हमारे दिल से तेरे लिए हमेशा ही आशीर्वाद सदा खुश है। ओह, तो नई राज दुलारी के घर में आने की वजह से किया जा रहा है टेनी का इतने प्यार से स्वागत। इसी बीच पार्थ की होती है एंट्री, जो खुद भी टेनी को देखकर होते हैं बेहद खुश। आखिर लंबे इंतजार के बाद पार्थ को मिली है नई सौगात। अब तुम अंदर आ सकते हो गया। पार्थ, टेनी ने तुम्हें इतना अनमोल तोहफा दिया है, अब हम सबको ये देखना है कि तुम टेनी को इसके बदले में ऐसा कौन सा अनमोल तोहफा दोगे। अनमोल तोहफे के बदले में दिया जाने वाला तोहफा भी अनमोल। ये हुई ना बात। और तोहफा तो मैं जरूर दूंगी पर उससे पहले ना बुढ़िया को देखना चाह रहे। वो कहाँ होगी टेनी, उसके पापा उससे इतना प्यार करते हैं कि एक मिनट के लिए अपने से दूर भी होने देते। बात के कमरे में ही होगी ना। आराम से जाना। लेकिन ये क्या, इंदु माँ टेनी पर क्यों भड़क रही है? बच्चे को जन्म देने के बाद टेनी कहाँ जाने की बात कह रही है? बहुत हो गया तेरा, झूठ बोल रही है तू। अरे कल तक जो बच्चे के लिए भी तड़प रही थी, आज कह रही है कौन सा रिश्ता था उसके साथ। एक्चुअली इंदु माँ टेनी को मानती है अपनी बेटी और वो नहीं चाहती है कि टेनी किसी भी वजह से घर छोड़कर जाए। वैसे टेनी भी करे तो क्या करे, वो क्या है कि पार्थ शौर्वरी को कभी भुला नहीं पाएगा और टेनी को कभी अपना नहीं पाएगा। देखो, ये तो कभी शौर्वरी को भुला नहीं पाएगा, कभी मेरे से शादी कर नहीं पाएगा। तुम्हें यहाँ रखे क्या करूँगी, बल्कि इतने टाइम में तो टेनी को और अच्छा सा बता लेगी। फिर आप सबसे मिलने लेके आए, आप सब कहाँ भागे जा रहे। और एक बार आप सब लोग मेरी जगह रह के भी तो सोचो ना, ये जो बोल रही हूँ वो गलत तो नहीं है कहीं से। टेनी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो घर छोड़ने का फैसला किया है, क्या आप खुद इस फैसले से खुश हैं? क्योंकि आपके फेस पर मायूसी साफ देखी जा सकती है। मतलब टेनी इज वेरी डिप्रेस्ड एंड बहुत दुखी है अंदर से, क्योंकि उसके लिए तो परिवार फैमिली जो जिंदगी में कभी नहीं मिला उसको, फॉर दिस वॉज हर कम्प्लीट लाइफ कम्प्लीट वर्ल्ड, उससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं चाहिए था। बट अब सडनली पार्ट चाह रहा है कि मैं चली जाऊँ, वो भी अपने पॉइंट पे सही है, उसको लगता है कि मैंने उसकी बीवी का मर्डर किया तो मैं चली जाऊँगी, बिकॉज पार्ट मुझे इस घर में लाया था। अगर पार्ट ही नहीं चाहता मैं यहाँ रहूँ तो टेनी कभी भी उसके अगेंस्ट जाके नहीं रहेगी। क्या भानुशाली परिवार टेनी को कह देगा बाय बाय? क्या पार्थ को छोड़कर चली जाएगी टेनी? ये जानने के लिए इंतजार कीजिए हमारी नेक्स्ट अपडेट का।